हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए जो है जीए के क्वेश्चंस जो है ले आया हूँ विद आंसर। दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में शेयर जरूर करना। और ये सही आंसर हैं, मतलब आप इनसे जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए, जो एक सबसे पहला क्वेश्चन था कि ओनर कौन है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका, एट प्रेजेंट जो चार जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर एक क्वेश्चन था कि सिलेक्शन कमेटी जो कि 8 मेंबर सिलेक्शन कमेटी थी वन नेशन वन इलेक्शन की, उसका जो हेड है वो कौन था, तो रामनाथ कोविंद जो थे वो थे। फिर उसके बाद था कि पेंशन इंडेक्स NPS दिवस 1 अक्टूबर को किसने लॉन्च किया, तो HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट इसका आंसर रहेगा। फिर साइक मिशन जो सन की बेल्ट में जो एस्ट्रॉयड है साइक, नासा ने लॉन्च किया था, तो वो किस किस प्लेनेट के बीच में, मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद जो है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है 43 डेज में बनाया गया है, तो तेलंगाना में, ये किसने बनाया है, LNT ने मदद ली है IIT मद्रास की। फिर जोईता गुप्ता को स्पियनोजा प्राइज़ जो है वो किसके लिए दिया गया है, क्लाइमेट चेंज के लिए दिया गया है। इसके बाद लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक स्पोर्ट में कौन सा नहीं इंक्लूड किया गया है स्पोर्ट, तो उसमें T20 क्रिकेट, स्क्वैश, हैंडबॉल और फ्लैग फुटबॉल करके कुछ शायद ये गेम्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। बिलियार्ड उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये ऑप्शन में था। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि CGIAR किसने ज्वाइन किया है, तो वो इक्री सैट ने ज्वाइन किया है। फिर इसके बाद था नागापट्टिनम और श्रीलंका के बीच में जो है एक फेरी सर्विस शुरू की है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो उसका डिस्टेंस था 60 नॉटिकल माइल्स। फिर है कर्नाटका के जो टेम्पल है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, तो इसमें कौन कौन से टेम्पल इंक्लूडेड हैं होयसला करके, तो उसमें एक तो चेन्नकेश्वरा टेम्पल था, एक होयसलारा टेम्पल था और एक सोमनाथपुरा। इसके बाद है इसराइल का जो शील्ड वेपन है, मतलब जो प्रोटेक्ट करता है मिसाइल्स वगैरह से, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था आयरन डोम। फिर था कि जो DBT है वो किस किस स्कीम में इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब किसके थ्रू पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो एक तो उसमें शायद फसल बीमा था, इसके अलावा दो तीन स्कीम्स और थी, ये मनरेगा था, मनरेगा उसमें तो अभी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस की है, तो इसका आंसर था ऑल। फिर एक क्वेश्चन था कि पीस प्राइज़ जो है, बाकी के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो तो स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस प्राइज़ है नोबेल वो कहाँ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे। फिर क्वेश्चन था कि जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में किसकी रिकमेंडेशन पे, तो फाइनेंस कमीशन। अभी इसमें बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब मैंने सब पढ़े हुए थे और मेरा इसमें बहुत अच्छा अटैम्प्ट होता और काफ़ी अच्छा मेरा स्कोर हो जाता है IBPSPU में, बट हाँ मुझे जो है दिमाग में आया ही नहीं इनके जो आंसर्स हैं, और अब जो है याद आ रहे हैं बैठे हुए यहाँ पे, तो अच्छा नहीं हुआ कुछ। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था BIS हॉलमार्क, हॉलमार्किंग को वेरीफाई करने के लिए जो है वो किस नाम से है, तो वो है BIS केयर। फिर था हाईएस्ट GST जो है पिछले 6 महीनों में अप्रैल से लेके किस में सबसे ज़्यादा रहा है, तो वो था अप्रैल में 1.87 लाख करोड़। फिर था कि ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है इंडिया ने लिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लास्ट ऑप्शन में, और मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तीन चार स्टेटमेंट थी। एक था इसमें कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस और एक दो और था वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे लगता है कि इसमें ये दो आंसर होने चाहिए थे, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर था कि RBI ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं, सर्कुलर इशू किया है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, अंडर राइटिंग करके कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था रिटेल लोन्स। फिर था कि जो कार्ड टोकनाइजेशन है उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, तो उसमें मर्चेंट भी स्टेक होल्डर है, कार्ड पेमेंट नेटवर्क भी होल्डर है, और वहाँ पर जो थे वो थे इशूअर, अकाउंट एग्रीगेटर, नहीं वहाँ पर जो थे वो थे मर्चेंट, कार्ड पेमेंट नेटवर्क, इशूअर एंड कस्टमर, ये चार ऑप्शन थे शायद वहाँ पर। फिर उसके बाद है कि सिक्किम में जो फ्लड आई थी उसमें
ग्लेशियल लेक डैश फ्लड करके दिया हुआ था, उसमें ओ पूछा था कि ओ का मतलब क्या है, तो आउटबर्स्ट। फिर है कि टॉप ब्रोकर्स कौन हैं, टॉप 5 ब्रोकर्स कौन हैं, ऑप्शन में जो हमें दिए गए थे स्टेटमेंट में वो ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा करके दिए हुए थे, तो इस सीक्वेंस में होने चाहिए। फिर इसके बाद है कि सिडबी और जो आईपीपीबी है उन्होंने रूरल और रिमोट एरियाज़ में किसके लिए टाई अप किया है, तो एसएमई लोन, एसएमएमई लोन्स के लिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन था कि G20 जब कमेटी हुई थी, समिट हुआ था, तो उस टाइम पर जो लोंगपी पोटर है वो शोकेस किया गया था, तो वो लोंगपी विलेज से बिलोंग करता है, वो कहाँ पड़ता है, तो वो है मणिपुर में। एक क्वेश्चन था कि अभी अप्रूवल मिला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 9.99% स्टेक लेने के लिए इंडसइंड बैंक में, वो कौन ले रहा है, तो वो है SBI म्यूचुअल फंड। मुझे इसमें से ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 22, ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ के गया हुआ था, बट वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने इनको मार्क किया ही नहीं पता होते हुए भी। फिर था कि ईज 5.0 की जो थीम है वो कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था, एक तो था डिजिटल इनेबल्ड कस्टमर, एक ऑप्शन में था बिग डाटा एनालिटिक्स, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, और एक दो ऑप्शन और था शायद, बाकी इनमें से आंसर होना चाहिए था। फिर था कि ONDC पे जो एक ऐप लॉन्च किया गया है पिन कोड करके, वो किसने लॉन्च किया, तो वो था फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। फिर था कि ट्रिफेड ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया है, ये मुझे अच्छे से याद नहीं आया। फिर था कि स्पेस मैक्सिमम स्पेस डेज जो है 1991 और 1995 में कौन स्पेस फ्लाइट के लिए रहा सबसे ज़्यादा, तो ये मुझे याद था, मैंने कहीं पढ़ा था इसको बहुत टाइम पहले, बट मैं मार्क नहीं करके आया क्योंकि श्योरिटी नहीं थी, नेगेटिव हो ना हो जाए इस डर के मारे मैंने अटैम्प्ट नहीं किया ये, तो 437 डेज इसका आंसर था। फिर था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हैं उनमें जो है इशू किए जाती हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह, तो मतलब प्राइमरी मार्केट में जो है वो क्या क्या इशू किया जा सकता है, तो उसका जो है 3-4 स्टेटमेंट थी, जिसमें से राइट इशू भी उसमें दिया हुआ था, प्रेफर्ड इशू दिया हुआ था, एक बॉन्ड करके दिया हुआ था, तो ये इनमें से इसका आंसर होना चाहिए। फिर था IMF ने 2023-24 और 24-25 के लिए जो है फोरकास्ट किया है वो क्या है रिसेंट अक्टूबर में ही, तो वो था 6.3% और 5.7%। फिर था कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में कौन कौन सा है, तो वो ऑप्शन में था, एक तो UPI, एक था आधार, इनमें से कौन नहीं है ऐसे करके था, तो UPI था, आधार भी था, अकाउंट एग्रीगेटर भी था, एक उसमें ऑप्शन था ई कुबेर करके, और एक और ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया ये। फिर था कि इंडिया जो है इंडिया के जो रैंक है ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी में वो क्या है, तो उसका आंसर था 4th लार्जेस्ट। फिर था कि CVV और नंबर लेस कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है एक्सिस एंड 5 ने। फिर था कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का पार्टनर इनमें से कौन रहा है, तो वो था HSBC। एक ये वाला क्वेश्चन 33 और 34, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी तरह से याद था बट अटैम्प्ट ही नहीं करके आया। फिर था क्वेश्चन नंबर 35, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो BESS प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उसमें प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट जो है पे करेगा, मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट, तो इसका आंसर था 40%। फिर इसके बाद था ISCSR फंड किसने एलोकेट किया है, डोनेट किया है, तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इसका आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर ऑप्शन में था तो वो होगा, और SCL टेक अगर था तो वो होना चाहिए। इसके बाद था कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो रिलीज़ किया है RBI ने धीरे धीरे, कितने कितने परसेंट में, पहले 25, फिर 25, फिर 50, बाकी के 3 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में आप अगर कोई क्वेश्चन याद आए तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।